कर्नाटक के नतीजों को एक कांग्रेस प्रेसिडेंट होने के नाते किस तरह से देखते हैं आप? कर्नाटक में जो आज नतीजे आए, नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, राहुल गांधी जी की जो यात्रा पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक जो यात्रा निकली थी, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से युवाओं से बात किया, बेरोजगारों से बात किया, महिलाओं से बात किया, किसानों से बात किया, व्यापारी से बात किया और सारे लोगों से बात करते कर्नाटक से होते हुए यात्रा श्रीनगर तक गई थी। आज जिस तरह देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने कुछ संवैधानिक संस्थाएं सीबीआई हो या ईडी हो, जिसके मार्फत कांग्रेस और विपक्ष की जितनी भी सरकारें हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके खिलाफ़ में सीबीआई का रेड डला के हो, ईडी का रेड डला के जिस तरह से दबाव बनाने का प्रयास कर रही है, उनको हरास करने का प्रयास कर रही है, जिस तरह से देश में महंगाई चरम सीमा पे है, महंगाई रफ्तार बढ़ रही है, बेरोजगारी जिस तरह से देश में बढ़ रही है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में मुँह की खाने पड़ी। वहाँ की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा केवल विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ती है, केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैलाकर वोटों का ध्रुवीकरण करके जीतने का जो प्रयास करती है, उसके खिलाफ वहाँ की जनता ने जो मतदान किया, भारतीय जनता पार्टी को जो जवाब करारा जवाब दिया है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में भी पूरे देश में जो और 5 राज्यों में जो चुनाव हैं, उसका परिणाम भी इसी तरह से आएगा, मुझे ये पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश में 150 दिन बचे हुए चुनाव को लगभग कितना कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा है इस नतीजों से और मध्य प्रदेश में क्या संभावनाएं रहेगी? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता कर्नाटक चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश में, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में बूथ लेवल से तैयारी कर रहा है, सेक्टर है, मंडल है, पूरी तैयारी कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में चल रही है। और जो कर्नाटक का परिणाम आया है, निश्चित तौर पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा और नई जान फूकी है, जिससे कांग्रेस का कार्यकर्ता, बूथ लेवल का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता का नई ऊर्जा के साथ मध्य प्रदेश क्या और जो 5 राज्यों में जो वो अभी चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ काम करेगा और कांग्रेस को विजयश्री दिलाने का काम करेगा। चुनावी रैलियों में और चुनावी सभाओं में धर्म आधारित राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से हुआ है? देखिए, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और कांग्रेस हमेशा उस विचारधारा की पार्टी रही है। मैंने अभी कहा ही आपको कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल विकास के दम पे चुनाव पे नहीं जाती है, केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैला के वोटों का ध्रुवीकरण करके जीतने का एक प्रयास करती है। कर्नाटक चुनाव भारतीय जनता पार्टी के इस प्रयास में कहीं ना कहीं करारा जवाब कर्नाटक का चुनाव। पब्लिक सर्विस, पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक पॉलिसीज की बात ज़्यादा की प्रियंका गांधी जी ने, मध्य प्रदेश में हम इसको किस तरह से देखेंगे, किस तरह की पब्लिक वेलफेयर की पॉलिसीज पर काम करना यहाँ पर पसंद करेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस हमेशा गरीबों के हित के लिए काम करती है, गरीबों के विकास की बात करती है, गाँव के विकास की बात करती है। कांग्रेस हमेशा गांधीवादी पार्टी है, तो गांधी जी की जो सोच रही है गाँव के विकास के लिए, गांव के युवाओं के लिए, बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं के विकास की बात हो, चाहे किसान के विकास की बात हो, चाहे व्यापारी के विकास की बात हो, सभी वर्ग के विकास की बात, चाहे सभी जाति समाज और हर गरीब आदमी के विकास की बात हमेशा कांग्रेस सोचती रही है। और कांग्रेस की जो सरकारें रही हैं, इन्हीं वर्गों पर फोकस रहा है और इन्हीं वर्गों पर आगे, जैसे आप छत्तीसगढ़ देखते हैं, छत्तीसगढ़ का शासन जो चल रहा है, छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, इन्हीं वर्गों पर फोकस करके और अपना काम कर रही है। आपके अध्यक्ष बनने के बाद बालाघाट की जो पॉलिटिक्स है कांग्रेस की, खास करके कितने सीटों पर फेरबदल का परिदृश्य देखने मिल सकता है, क्या आप अनुमान लगा रहे हैं अभी से? देखिए, मेरे बनने के बाद नहीं, कांग्रेस का कार्यकर्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी के मेहनत से बहुत उत्साहित है और उस उत्साह के कारण मैं ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस बालाघाट में 6 की 6 विधानसभा जीतने का प्रयास करेगी। और पूरा उम्मीद है कांग्रेस का जितना भी कार्यकर्ता है, पूरी तन मन और धन से मेहनत करके कांग्रेस को बालाघाट से 6 सीट दिलाने का प्रयास करेंगे। लाडली बहना योजना के टक्कर में जो नारी सम्मान योजना की घोषणा की है कांग्रेस ने, कितना अंतर हम मानते हैं बीजेपी की लाडली बहना योजना और इसमें की? देखिए, सीधा सीधा मैं अंतर आपको बता देता हूँ। एक परिवार में अगर एक माता पिता, बेटा और बहू, एक परिवार में एक यूनिट मारते हैं, 4 लोगों का अगर हम एक यूनिट मानते हैं, तो एक यूनिट में बीजेपी 1,000 रुपये 2 महिलाओं को देगी, तो अगर सास और बहू हुए तो केवल 24,000 होते हैं।
और कांग्रेस एक महिला को 18,000, इस तरह से 36,000 वो अलग देगी और 500 रुपये में सिलेंडर दे रही है, मतलब 650 रुपये कम करके 500 रुपये में दे रही है। इस तरह से 42,000, लगभग 42,000 रुपये कांग्रेस एक साल में उस एक यूनिट का परिवार जिसको मानते हैं उसको दे रही है। तो लगभग 18,000 रुपये भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की इस कमलनाथ जी की जो नारी सम्मान योजना है उसमें 18,000 भारतीय जनता पार्टी की लाडली लक्ष्मी योजना से ज़्यादा मिलेगी। प्लस 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली की बात कही गई है। आज एक यूनिट बिजली 5 रुपये से अधिक मिल रही है, तो आप सोचिएगा कि वहाँ भी 300-400 रुपये का अंतर आएगा, वहाँ भी 300-400 रुपये का फर्क पर मंथ आएगा। तो इस तरह से आप 50,000 के ऊपर कांग्रेस एक परिवार को देने का प्रयास कर रही है।